त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वरदानं पूर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता अकाल मृत्यु भूमरे अकाले काले 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 मृत्यु। देखो जो काल की दिशा है ना काल यमराज, उसकी दिशा है दक्षिण, और मेरा हनुमान अगर सबसे ज्यादा कोई लाभप्रद दिशा में काम करता है तो दक्षिण मुखी हनुमान। काल लाभ, काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता हनुमान के भक्त का हाथ वज्र ध्वजा में। और शंकर भी अकाल मृत्यु वो मरे जो काल करे चंडाल का, लेकिन काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागारि संसारी पारम न तो तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम सुवनमौल कल्लोल विचारु गंगा रसद्वार बालिंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम रुद्रेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगादिश चर्मामरम मुंडवालम प्रयाण शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम। देखो शंकर जी के घर में शंकर जी के सिर पर बहती है गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, और गंगा पूजनीय है। ये एक ऐसा देव है जिसका सब कुछ पूजनीय है, जिसकी पत्नी से कभी लड़ाई नहीं हुई, ऐसा महादेव भोला। इसके सिर पर है गंगा और गंगा पूजी जाती है, इसके मस्तक पर है चंदा, चंदा पूजा जाता है, इसके गले में है सांप, सर्प पूजा जाता है, सर्प दोष। बिछा करके बैठता है शेर की खाल मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमा, शेर की खाल पूजी जाती है, शेर पूजता है, माँ भवानी शेरों वाली है। जय जय शेरों वाली, शेरों वाली, शेरों वाली माँ, जय जय शेरों वाली, शेरों वाली, शेरों वाली माँ। और कहने दो भवानी पूजी जाती है, भवानी पूजी जाती है, नंदी पूजा जाता है, शेर पूजा जाता है, एक बेटा कार्तिकेय कार्तिकेय पूजा जाता है, गणेश पूजा जाता है, यहां सब पूजा ही पूजा जाता है। दोनों हाथ उठा के कहिए नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। सावधान आइए सुंदरकांड की ओर चले मेरे भाई बहन। यहां तो सारी रात भी पाठ करें तो पाठ पूर्ण नहीं हो, दो घंटे में होता क्या है, ढोल धमाके पर सुंदरकांड नहीं होता। ये तो हनुमान जी का ऐसा चरित्र है, सुनने बैठ जाओगे तो उठने का मन नहीं होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अभी पिछले शनिवार को हिसार में पाठ करके आया हूं, रात को 8 बजे से सुबह 4 बज गए, प्रेम से कहिए जय सियाराम। ऐसे सुनने वाले ये सुंदर कांड, आप गीता का सूत्र कहता है ये ज्ञानमय भक्ति है।